नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पहुंचेंगे बिलासपुर एम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे एम्स पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रविवार को हिमाचल आएंगे। नड्डा रविवार सुबह ऊना जिले में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर के समय हमीरपुर जिले में और शाम को बिलासपुर पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। नड्डा 3 अक्टूबर को एम्स का निरीक्षण करेंगे और लुहणू में पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेंगे। भाजपा चुनाव कार्यालय बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को सुबह ठीक 10 बजे एम्स पहुंच जाएंगे। एचआरटीसी में चालकों के 250 पद भरने की स्वीकृति, कर्मियों को संशोधित वेतन मानचल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में चालकों के 250 पद भरे जाएंगे। धर्मशाला में एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक, बीओडी में पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक एचआरटीसी 1300 करोड़ की घाटे में है। बीते वित्तीय वर्ष में 133 करोड़ का घाटा हुआ, इससे कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने में देरी हो रही है। सैलानियों ने निहारा बर्फ से लगदग शिंकुला दर्रा, पर्यटन निगम ने शुरू की डीलक्स बस सेवा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की परिवहन शाखा ने समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिंकुला दर्रा के लिए डीलक्स बस सेवा शुरू कर दी है। शनिवार को 20 पर्यटकों को लेकर निगम की बस शिंकुला दर्रा पहुंची। पर्यटकों ने शिंकुला में बर्फ के बीच खूब अटखेलियां की। रविवार के लिए 26 सीट्स एडवांस में बुक हो गई। आने वाले दिनों में शिंकुला जाने वाले पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। शिमला के छराबड़ा में चलती कार पर पलटा, सेब से लदा ट्रक, 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला के नौ राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर शनिवार सुबह 6:30 बजे चलती कार पर सेब से लदा ट्रक पलटने से कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक को भी चोटें आई हैं। हादसे का कारण ट्रक के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। डीएसपी मंगत राम ने बताया कि ढली थाने में मामला दर्ज कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर ढली थाने से मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। नड्डा 2 अक्टूबर को हमीरपुर दौरे पर, धूमल के गढ़ में बड़ी हाई कमान की सक्रियता। दो बार के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गृह जिले में भाजपा हाईकमान की बढ़ती सक्रियता से सियासी पारा चढ़ गया। रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमीरपुर पहुंचे। उनके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन महामंत्री पवन राणा और त्रिलोक जम्वाल भी हमीरपुर आएंगे। सीएम जयराम बोले, भाजपा 15 अक्टूबर की बात करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा आचार संहिता लागू होने के बाद पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। देवलोक आर्ट एंड क्राफ्ट केंद्र का शुभारंभ करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि संभवतः 15 अक्टूबर के बाद पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों का एक साथ ऐलान होगा या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है। हिमाचल में मॉनसून पड़ा कमजोर, प्रदेश में इस दिन से बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 3 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 अक्टूबर से प्रदेश के कई भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली हुई है। हिमाचल में इस बार 1,000 टन अधिक आएगी ये खाद। हिमाचल प्रदेश में किसानों को गेहूं, बिजाई, आलू और सब्जियों के लिए 12-32-16 खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार पहले के मुकाबले करीब 1,000 टन खाद अधिक आएगी। आने वाले दिनों में गेहूं की बिजाई के सीजन को देखते हुए इफको ने इस बार खाद की अधिक डिमांड भेजी है। सोमवार को खाद की खेप प्रदेश भर में इफको के गोदामों में पहुंचना शुरू हो जाएगी। हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा जैसे जिलों में नमी की पर्याप्त मात्रा होने पर अक्टूबर माह में ही गेहूं की बिजाई कर दी जाती है। फार्मेसी कॉलेज के पास बाइक इसके ठोकर कार से टकराई, युवक की मौत। नगरोजा भगवा थाना के अंतर्गत राजकीय फार्मेसी कॉलेज के समीप एक बाइक के स्किड होने के कारण 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान अविनाश कुमार पुत्र माधोराम निवासी गांव बरोहटा प्लाह चकलू के रूप में की गई है। उक्त युवक किसी निजी संस्थान में काम करता था।
रोजगार का मौका, ये कंपनी भरेगी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 150 पर जाने कब होंगे साक्षात्कार। SIS इंडिया लिमिटेड शाह तलाई जिला बिलासपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के लगभग 150 पदों को भरने के लिए सिरमौर जिले के विभिन्न रोजगार केंद्रों में इच्छुक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सिरमौर ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय नाहन में 4 अक्टूबर, उप रोजगार कार्यालय पांवटा साहिब में 6 अक्टूबर, उप रोजगार कार्यालय शिलाई में 7 अक्टूबर, उप रोजगार कार्यालय राजगढ़ में 10 अक्टूबर को भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल में एलएमपी रोग ने बढ़ाई चिंता, 1 लाख के करीब पहुंचा प्रभावित पशुओं का आंकड़ा, इस वजह से फैल रहा संक्रमण। हिमाचल प्रदेश में लंपी चर्म रोग की रोकथाम नहीं हो पा रही से पशुपालन विभाग की चिंताएं बढ़ गईं, लेकिन सुखद पहलू ये है कि जिस पशु को एक बार टीका लग गया उसमें दोबारा संक्रमण नहीं फैल रहा, ऐसा मामला सामने नहीं आया है। दूसरा, अब तक 53,302 पशु स्वस्थ भी हो गए जबकि प्रभावित पशुओं की संख्या 97,336 हो गई है। हिमाचल में बल्क ड्रग पार के लिए 1923 करोड़ की GPR तैयार। उद्योग परिवहन और श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ऊना की हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए उद्योग विभाग ने 1923 करोड़ की GPR तैयार कर ली है, जल्द इसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी दिलाई जाएगी। मंत्री ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम समिति के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। हिमाचल में 38 पुलिस अधिकारियों के तबादले, 18 को नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को राज्य पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया। सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 38 अधिकारियों के तबादले और तैनाती आदेश जारी कर दिए। दिवाली पर राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को आधा किलो अतिरिक्त मिलेगी चीनी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी राशन डिपुओं में 19.50 लाख राशन कार्ड धारकों को दिवाली पर आधा किलो चीनी अतिरिक्त मिलेगी। इससे पहले दिवाली पर प्रति व्यक्ति 100 ग्राम चीनी अतिरिक्त मिलती थी, इस बार प्रति कार्ड आधा किलो चीनी अतिरिक्त दी जाएगी। हिमाचल की बेटियों ने रचा इतिहास, कबड्डी में पहली बार जीता गोल्ड। गुजरात के अहमदाबाद में चल रही 36वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के तहत कबड्डी में हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर इतिहास रच दिया। बेटियों ने पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। टीम की रेडर निधि शर्मा, पुष्पा, साक्षी शर्मा और ज्योति ने जबरदस्त खेल से दर्शकों को प्रभावित किया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।